आटा तो आप गेहूं का ही खाते होंगे, है ना? क्योंकि गेहूं के दाने को कनक यानी कि सोना कहा गया है। इसके अंदर बहुत सारे देवीय गुण होते हैं। अगर इनमें आप एक खास वस्तु मिला देते हैं तो इससे बनने वाली रोटी का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आप करोड़पति बन जाने वाले हैं। बस ये छोटा सा उपाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको ज़रूर अपना लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, आटे में मिक्स होने वाली ये जो चीज़ मैं आज बताने वाली हूँ, ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। रोटी का खास महत्व हो जाता है इसको मिलाने के बाद। और ये जब आप आटे की रोटी को गैस पर या चूल्हे पर पकाएंगे तो इसकी जो खुशबू उठेगी वो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच कर ले आएगी और माँ लक्ष्मी आपके घर आंगन में आना पसंद करेगी। दोस्तों, मिक्स क्या करना है इसको बताने से पहले एक खास बात का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए और हमेशा रखना चाहिए। दोस्तों, आप जो भी आटे को गूंथते हैं, लगाते हैं, तो आटा को फुल रोल ना बना कर रखें। उसमें अपनी उंगलियों की छाप बिल्कुल छोड़ें, क्योंकि एकदम से जो चिकना वाला गोल रोल वाला आटा होता है वह पिंड के जैसा ही माना जाता है, यानी कि वह आटा पितृ देवों के निमित्त माना जाता है। जब आप उसी आटे पर उंगलियों की छाप बना देते हैं तो वही आटा शुद्ध रहता है तथा इसके प्रति कोई निगेटिव एनर्जी नहीं आती है। इसलिए आटा गूंदने के बाद उसमें उंगलियों की छाप को अवश्य छोड़ दें। वहीं आप एक नियम और भी बना लें, इससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी। जब भी आप आटा को गूंधें तो उसमें एक चम्मच दूध अवश्य डालें, अथवा आप चाहें तो पूरा का पूरा दूध से ही आटा को गूंध सकती हैं। इसके बाद पानी से उसको ठीक कर सकती हैं। और जब भी आप इस आटे की रोटियां बनाएंगी तो इसकी सौंधी सी खुशबू उठेगी और वही खुशबू माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए जब भी आप आटा गूंधें तो उसमें थोड़ी सी मात्रा दूध की अवश्य डाल दें। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां जहां खत्म होंगी और आपके पति की जेब हमेशा पैसों से भरी रहेगी, उनके व्यापार में बरकत होगी, आपके घर में सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि दूध तो हर हाल में शरीर में जाना ही चाहिए, लेकिन माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय भोग है दूध। दूध माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस कार्य को आप रोज़ का नियम बना लें और फिर देखें आप चमत्कार। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और भी अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आप लगातार जुड़े रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।